हम बात विकास की कर रहे हैं, शिक्षक जो है वो देश का दर्पण है, उसने समाज को बनाया है, निभाया है। आपको क्या लगता है बतौर शिक्षक देश का कितना विकास हुआ है 14 से लेकर अब तक? 14 से लेकर के आज तक जो भाजपा सरकार में विकास हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अन्य सरकार की अपेक्षा इस सरकार में विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, सबसे तो शिक्षा के मामले में विकास हो रहा है कि जो पिछली सरकार थी वो बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जा रही थी और ये सरकार जो है इस पर नकल विहीन परीक्षा करा रही है। इसमें सभी सुविधाएँ बच्चों के हित में हो रहा है, विकास हो रहा है, देश का विकास के हित में यह सरकार कार्य कर रही है। गरीबों का जो किसान है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा था, जो उनको डायरेक्ट उनके खाते में कुछ सरकार दे रही है, उजाला योजना दे रही है, बहुत सी सुविधाएं दे रही है सरकार। अन्य सरकार की अपेक्षा यह सरकार विकास के कदम ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें सपा बसपा के महागठबंधन की, तो इनका कहना है कि भाजपा जो है वो नगण्य हो जाएगी उत्तर प्रदेश में और हमारी सीट बहुमत से आ रही है, तो आखिर इन्हें इस बात का आभास क्यों है? भाजपा नगण्य नहीं हो सकती है, जो विकास कर रहा है इसके आधार पर भाजपा नगण्य नहीं होती है। विकास जो करेगा वो रहेगा। कहते हैं कि देश का जो तस्वीर बदलता है वो गतिशील रहता है, विकासशील होता है और साथ ही साथ विकास पुरुष भी माना जाता है। जहां अगर हम बात करें गंगा की, उत्तर प्रदेश की आस्था का केंद्र है गंगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा अछूता सा होता जा रहा है? राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत अच्छा था, लेकिन सपा सरकार ने जो किया, भाजपा सरकार के इन बन जाए तो बहुत भविष्य के लिए अच्छा किया, काम किया और बढ़िया भी किया। अब भाजपा सरकार इसी तरह चलती रहेगी और सपा सरकार बसपा सरकार जो मिलजुल करके खिचड़ी पका रहे हैं, उनकी खिचड़ी न पके, किसान और सबके लिए भविष्य के अंधकार में जो चल रहा है उजाला में चले तो सबसे बेहतर। लेकिन हमारे आपके देश के लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ किया, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कुछ किया और शायद ऐसे बहुत से नेता रहे, बहुत से प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ अग्रसर किया था। लेकिन आज सारी बातें रुकी हुई हैं, बात जाके सिर्फ एक जगह टिकी हुई है, भाजपा पे। क्या भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है लोगों के पास? सपा के भी यहाँ पर जिले के हमारे प्रधानमंत्री भी हुए, सब लोग हुए जी। इसके बाद हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, देश के गौरव की बात है। लेकिन हमारे मोदी सरकार हुई तो जो जवानों के लिए किए कि 13 सरकार हुए तो 360 लोगों की उस पर अपना क्या ठिकाना पर किए, ऐसे भाजपा की सरकार होगी तो इनके लोगों के हमारे भारत का भविष्य उज्जवल होगा और यही हम लोगों की शुभकामना रहेगी। चूँकि कहते हैं कि बच्चों में भविष्य बसता है, बच्चों में ईश्वर दिखता है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो सपना देखा है भारत को सोने की भारत बनाने की, किस तरफ अग्रसित हो रहा है हमारा देश? बिल्कुल अग्रसित नहीं हो रहा है हमारा देश, क्योंकि मोदी जी ने जनता से झूठा वादा कर जनता कोर्ट लिया कि 2017 में भाजपा की सरकार बनती है तो सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। ऊपर से उन्होंने बोला था कि 2017 में सरकार बनती है तो राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर केंद्र में भी सक्षम थे, प्रदेश में भी सक्षम थे, हर जगह सक्षम है, फिर भी राम मंदिर नहीं बना। ये केवल उनका फॉर्मूला हो गया कि वोट राम मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है, न्याय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ना तो कोई पार्टी है ना कोई व्यक्ति विशेष है, तो चूंकि मामला अभी मध्यस्थता की चल रही है तो वो बात कहने की गलत है कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, वो आस्था का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक सीमित है, लेकिन हम बात विकास की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है, युवकों की बात हो रही है, उससे कितना आपको सरोकार है बात का? युवाओं को देश उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री बने तो युवाओं को मतलब कि बोले थे कि 17 लाख या कुछ इसी तरह बोले थे कि रोजगार मिलेगा, कहीं कुछ रोजगार नहीं मिला युवाओं को, कुछ रोजगार नहीं मिला। और योगी सरकार ने बोला था कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश ने बेरोजगारी भत्ता बांटा था वो सही था या लोगों को कर्मठ करके उनका भविष्य देना? जो अखिलेश सरकार है उसमें जो जातिवाद का ज्यादा मुद्दा था, उसमें ज्यादा यादव या चौधरी का ज्यादा वो बेरोजगारी भत्ता दूर करते थे, और अन्य क्षेत्र हैं जो भी ब्राह्मण और
बबुआन है उनको नौकरी मिलता नहीं था, वो जाते थे वो बहुत फाइट करते थे तभी उनको नौकरी का मुद्दा क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। अधिकतर वहाँ पर मेरिट सिलेक्शन होता था और मेरिट में इतना शिक्षा में इतना नकलची होता था, मतलब चीट होता था। और जो योगी सरकार आई है इसमें नकल विहीन परीक्षा हो रही है। इसमें यो मोदी जी ने हमको 10% जनरल को आरक्षण भी दिया है। आज जो पहले हम लोग अखिलेश के सरकार में कांग्रेस जो सरकार थी उसमें 10% आरक्षण नहीं था। क्या लगता है कि ये 10% का जो मुद्दा है ये सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ 10% की बात करते हैं, 10% क्या लॉलीपॉप नहीं होगा चुनाव के लिए? क्या लगता है कि ये है सच्चाई है? ये सच्चाई है। कैसे, क्यों लगता है आपको ये? इसलिए कि कम से कम 10% लोगों को तो मिलेगा। अभी तक अगर 100 नौकरी होती थी उसमें से 51 तो पहले ही चली जाती थी। और पहले मेरिट में उनको छांट लिया गया तो वो अगर 51 वो ले लेते हैं और जो 49 बचा उसमें से अगर उनको नहीं मिलता तब तो बात समझ में आती है। तो पहले वो 49 में हिस्सा ले लेते हैं और उसके बाद जो बचा तो 51 में चले जाते हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देश की तस्वीर बदल रही है, युवा जो हैं उससे कितना वाकिफ रखते हैं, क्या लगता है आपको कि अब तक आपने सुना कि 10% लॉलीपॉप था। बात बेरोजगारी की अगर हम करें तो बेरोजगारी आज भी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन लोग मोदी को चाहते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री बने ताकि देश आगे बढ़े। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी ये राय है कि आज तक मतलब आरक्षण का जितना भी बात चल रहा है, एक्चुअली आरक्षण जब भी लाया गया था उसका मेन उद्देश्य था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाया जाए। आज जो 10% सामान्य लोगों को आरक्षण दिया गया है ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊंचे वर्ग में भी कुछ लोग गरीब हैं और निचले वर्ग में भी कुछ लोग धनी हैं। तो आरक्षण का जो मापदंड है वो ये होना चाहिए कि एक सर्वे कराना चाहिए और जो वास्तव में नीचे हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। जातिवाद पे किसी ऊंचे वर्ग को आरक्षण दे या निचले वर्ग को आरक्षण दे ये एक तो गलत है। दूसरा, अभी बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बात होती है कि राम मंदिर, इसका एक दूसरा तरीका सोल्यूशन बहुत आसान निकल सकता है कि न तो राम मंदिर बनाया, क्योंकि हिंदुओं के लिए मंदिर बहुत है पूजा करने के लिए और मुस्लिमों के लिए मस्जिद भी है बहुत पूजा करने के लिए, वहाँ एम्स बनाइए, किसी ऐसा बने जो सार्वजनिक तौर पर हिंदू मुस्लिम सबको लाभ मिले। क्यों उसको राम मंदिर और मस्जिद बना के एक राजनीति के जो कुछ भी लड़ाई वाला काम क्यों कर रहे हैं? सबके पास जब मंदिर मस्जिद है। ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दे हैं, ये खत्म न हो जाए इसलिए इसको मुद्दा जीवित रखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट है या जो कोई भी है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं? आपकी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट रहे उसको ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है वो खत्म कर दिया जाए। वहाँ कोई एम्स बनवा दीजिए या IIT बनवा दीजिए जिससे सामाजिक तौर पर सबको लाभ मिले और देश भी आगे बढ़ेगा। बतौर युवा आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, जो लोग 18 साल के हो चुके हैं, जिनको अपना मतदान करना चाहिए लेकिन किन्हीं कारणों से मतदान नहीं करने जाना चाहते, शायद वो ये समझते हैं कि हमें घर में रहना ज्यादा अच्छा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मतदान बोले तो आपको आपका हक है और मत ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको मत देना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको दीजिए। और हाँ, अपनी बातों को आप मीडिया में आके या किसी भी तरफ से, आजकल बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, अपनी वीडियो खुद रिकॉर्डिंग करके इवन यूट्यूब पे या बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपना मत देना ही चाहिए। निश्चित रूप से मत का दान होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा महापर्व है जहां देश की आबो हवा हो चाहे उसकी शक्ल हो बदलने का काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं। अगर हम इस एक मतदान को छोड़ देते हैं तो शायद 5 साल तक हम अपने बच्चों को ये नहीं कह पाएंगे कि हमने अच्छा करने का काम किया या बुरा। हम किसी को कोस तो सकते हैं लेकिन जब तक हम विकास में अपनी भागीदारिता नहीं साबित करेंगे तब तक शायद हमारा देश ऐसे ही पीछे रहेगा या हमारी सोच ऐसे ही पीछे रहेगी और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए, बाहर निकल चाहिए और अपने इस अभिन्न जो उनके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने एक मत के तरीके से ताकि लोगों को यह समझ में आए कि पार्टी भले ही ऊपर है लेकिन देश हमारा सर्वप्रथम है। कैमरामैन अजय के साथ दिग्विजय मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, बलिया।